Hi guys, good afternoon, welcome and welcome back to my YouTube channel. So आप पीछे के background से समझ गए होंगे कि I am in Jolly Grant, यानी कि मैं अपनी नानी के घर में आई हूँ. And जिधर side से मैं shoot कर रही हूँ उसके just opposite में खड़ी है मेरी पलटन. So आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए. तो इधर दो तीन मंदिर है जहाँ पे हम आज explore करने के लिए जा रहे हैं. तो हम आप लोगों को भी दिखाएंगे कहाँ पे जा रहे हैं actually में. एंड यहाँ का जंगल पहले भी मैंने आपको दिखाया था. धूप बहुत ज्यादा तेज है गाइस और ये निकल ही नहीं रहे घर से. 12:30 हो चुके हैं. टैनिंग होने वाली है. सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं. निगरों बन के घर आएंगे पक्का. गारंटीड है क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था. तो बस अब अभी हम निकल रहे हैं और मैं तो अपने ग्लव्स लेके जा रही हूँ ताकि मुझे टैनिंग हो. और जैसे ही हम अभी देखते हैं कहाँ कहाँ उतरते हैं बीच में. आर यू गाइस रेडी? बाय. आर यू गाइस रेडी? गाइस दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो. दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ नीम करौली मंदिर. यू नो आप लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं पता है बट एक देहरादून में नीम करौली और एक है कैचीधाम में. सो अभी आके जाके हम आपको पूरा व्यू दिखाने वाले हैं. एंड देखिए क्या मस्त हो रहा है. मस्त मौसम. आप लोग सोचते होंगे मिताली, ये देखो हमारे साथ के लोग. आप लोग सोचते होंगे मिताली कहाँ कहाँ जाते हैं. नहीं ये तो मिताली को पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है. तो अभी चलते हैं ऊपर, मिलते हैं उधर. बाय बाय. ये अभी हमें ये वाली जो चढ़ाई है ना, ये वाली, ये जानी है उधर. फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बहुत पास, बहुत पास. आप लोग देख पा रहे होंगे मंदिर जस्ट मेरे पीछे है. एंड दिस इज माय झोला जिसमें लैपटॉप है. एंड द ब्यूटीज आल्सो हियर, ऑल द ब्यूटीज एंड द हैंडसम बॉयज. ये मेरे ननिहाल की तरफ से है. बहुत अच्छे लोग हैं ये, दिल के, थोड़े गरीब भी नहीं है. देखो क्या हीरोइन बन रहा है. स्लोमो खिंचवाऊंगी आज तो. यस. सो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंदिर में. एंड मंदिर में जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, फिर हमें जाना है वो टॉप वाले मंदिर में. दिस इज़ कॉल्ड धारकोट का मंदिर. एंड उधर से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं. वैसे व्यूज़ तो इधर से भी बहुत परफेक्ट आ रहे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर एंड मतलब अंदर, फिर आपसे मिलते हैं. जस्ट हमने मंदिर के दर्शन और उसके बाद हम जा रहे हैं अब धारकोट वाले मंदिर में. एंड हाँ मैं बोल रही थी कि अभी हमने जस्ट मंदिर के दर्शन कर लिए. तो अभी ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम वहाँ पे स्कूटी लेके जाए या ना जाए. जाए या ना जाए? नो. तो मेरी मम्मी ये व्लॉग देखेगी. मम्मी ये आपका भतीजा है ना, जबरदस्ती बोल रहा है इतने छोटे रास्ते में जाने के लिए. अभी मेरी मम्मी मेरे को डांटती है कि तू जाती है छोटे छोटे रास्ते में, बल्कि ये वाला रास्ता मैं हकीकत में बताई बहुत पतला है और बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई और बकवास रास्ता है. बट मम्मी आपका भतीजा है ना, सुन लो मम्मी आप. ये जिद्दी कर रहा है बहुत ज्यादा. बट फाइनली अब मैंने इसको डांटा तो वो जा रहे हैं. तब हम ऊपर मंदिर में जा रहे हैं और यहाँ पे एक बूंद भी नेटवर्क नहीं है. जो बोलते ना एक बूंद भी, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है. यार छोटे ब्लॉगर्स भी आ रहे हैं पीछे. अब इन्होंने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया अपना बिकॉज ऑफ संन्यास ले लिया. स्टडी Study? पढ़ाई करना चाहते हैं. कह रहा है स्टडी तो हम तभी भी नहीं करते. बहुत बुरे हाल है यहाँ ऐसे बच्चों के. और हमने सोचा, फिर हमने डिसाइड किया कि वी विल गो एंड हम सबसे पहले ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ट्रैकिंग इज द बेस्ट थिंग. या बेस्ट थिंग और बेस्ट वे कि हम किसी भी जर्नी को अच्छे से इंजॉय करें. हाँ तो हम चढ़ाई वाला रास्ता ना अपना के हम यहाँ से जाएंगे. ओ भाई आप लोग व्यूज देखो जरा मेरे पीछे के व्यूज. हट. ये अब वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे. तू कहाँ जा रहा है गाइस? डैश है क्या? चल हम चलते आ जा. देखो ऐसे भी पागल है दुनिया में. नहीं आप पहले ओलंपिक ओलंपिक खेल लो जरा. बताओ कौन सा रास्ता जीतना है ओलंपिक. रास्ता ये है कि रास्ता इधर से जाना है तो ये उधर की जा रहा है ऊपर. और इधर बोर्ड लगा है कि यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर घूमना सख्त मना है. पकड़े जाने पर सख्त है, सख्त मना नहीं है. तो यार इनको कौन बताएगा कि हम पे 500 रुपये नहीं है. और अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम कुछ नहीं देंगे. तो हमारी स्कूटी है देने लायक जो कि 500 रुपये से काफ़ी ऊपर है.
वैसे मैं डरने की कोई बात नहीं है बिकॉज हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहे, मंदिर जा रहे हैं। देख रहे हो आप, ये मेरे छपरे दोस्त, छपरी भाई बहन। सो गाइस इतना मतलब यहाँ का ट्रैक मैंने आपको दिखा दिया है। एंड एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ की ट्रेनिंग ट्रैकिंग इज मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टफ, मतलब ऐसा नॉर्मल है। तो मैं अपने फ्यूचर में सोचती हूँ कि मैं कभी तुंगनाथ वगैरह जाऊंगी, बद्रीनाथ जाऊंगी, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए कितना बढ़िया है ना, एकदम दोस्तों के साथ मजा। हमें भी ले जा लो दीदी, हम गरीबों को भी ले जा लो। सच में गरीब हो यार तुम, मुझे तो जाने दो, ये लोग पहले तैयार हो गए। दीदी हमें छोड़ के जाएगी ना, तो देख लो समझाओ यार। मतलब हम, मैं तो जा नहीं पा रही, ये गरीब पहले आ रहे हैं। और वो लोग देखो, इनकी बदतमीजी देखो, ये अब आ रहे हैं, बदमाश हो रहे थे। सीरियसली अब हम छोड़ के जाने वाले हैं, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं मंदिर में और हम फिर अपना फोटो शूट कराएंगे ना, हम किसी की जल्दी ऐसे ही बनेगा। हाँ बना लेते हैं। तो गाइस इधर चल रहे झगड़े फोटो के पीछे, क्योंकि भाई लेके आ रखा है कैमरा अपना, एंड पहले तो उन्होंने आईफोन की बजाई गाइस आ गए पीछे और अब ये बजा रहे हैं उसके कैमरे के पीछे की। और ये लड़का कोई है क्या, न्यूजीलैंड व्यूजीलैंड वाला और ये देखो झगड़े चल रहे भाई साहब, झगड़े फोटो के पीछे, मतलब बेचारा मेरा भाई मेरी इसका नंबर नहीं आ रही, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई अच्छी वाली। और ये लोग जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहे बेचारे, ये दो मेरे प्यारे। ये दौरे पड़ते हैं समय में, मतलब साल भर में एक बार ऐसा दौरा पड़ता है ऐसी जगह पर आके। गाइस हम आए थे क्लिफ एंड में एंड हमने बहुत कुछ खाया। नाउ वी आर गोइंग। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसके बाद भी मैंने क्लिप सुनाए थे, पता नहीं कैसे वो डिलीट हो चुके हैं समहाउ, पता नहीं कैसे हो चुके होंगे। बट एनीवेज इसके बाद ये था कि जो अगर आप लोग न्यू करौली बाबा के मंदिर जाना चाहते हैं जो कि देहरादून में है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स, अगर आप थानों पहुँच जाओगे तो थानों से आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर ही ऊपर जाना पड़ेगा। एंड ट्रैकिंग का कोई रास्ता नहीं है, हमने गाड़ी उधर पर ही पार्क करी थी एंड द पार्किंग के जस्ट बगल में मंदिर है, जैसे कि आप लोगों ने क्लिप से देखा होगा। सो मैं क्लिप से ऐड कर रही हूँ ताकि मैं शायद मैं वीडियो में बताना भूल गई हूँ एग्जैक्टली। और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर, यू नो इतना अच्छा कोहरा कोहरा, एकदम ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड द नेचर, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रीटी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अभी देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कब आता है, पर उसे जुड़े रहने के लिए मेरे सारे शॉर्ट वीडियोज़ फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी 1K करते हैं, बिकॉज अब मैं कंटिन्यू हूँ यूट्यूब में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के तरह, मतलब शॉर्ट वीडियो के वजह से। सो आई होप आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, और जो भी लोग फॉलो करते हैं तो वो कमेंट कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।